वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाते हैं आलू के पकौड़ा। शाम के वक्त होता है तब लगता है कुछ ना कुछ अगर स्नैक्स हो जाता है तो बहुत बढ़िया बनता है। तो अच्छा ये है ना कि स्नैक्स अगर घर में अवेलेबल हो हाइजीनिक वे में तो और भी बढ़िया, क्योंकि बाहर का तेल से जो स्नैक्स फ्राई किया जाता है वो काफ़ी पुराना होता है जो कि एकदम हेल्दी नहीं होता है। तो चलिए आज बनाते हैं झटपट से आलू का पकौड़ा। तो इसके लिए ले लेते हैं हम यहाँ पर फ्रेश आलू। मैंने ये बड़े बड़े साइज़ के ही आलू लिए हैं, आखिर में इसको छोटा पीस ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा आलू हो, लेकिन बड़ा आलू होने से ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो कोशिश कीजिएगा बड़ा बड़ा साइज़ का आलू, अगर नहीं होता है तो जो अवेलेबल है वैसा ही लीजिए। आलू को सिंपल सा छील लीजिए और उसको छोटा छोटा पीस में, मतलब जैसा आपको चाहिए पकौड़ा का साइज़ वैसा आप काट लीजिए। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर 4 से 5 आलू लिया है और उसको एकदम छोटा छोटा पीस करके काट लिया है। तो अभी आलू को अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं। अभी उसको कर लेंगे थोड़ा सा बॉयल। हाँ, अब यहाँ पर इसको प्रेशर में कुक मत कीजिएगा, मतलब प्रेशर कुकर में कुक मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो आलू है ना ये पूरा गल जानी है। तो वो गलना नहीं चाहिए, आलू हम लोग को पक जाएगा लेकिन गलेगा नहीं, उसका ना क्रंचीनेस रह जाना चाहिए। क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो बाकी जो आधा कुकिंग रहेगा वो फ्राई करते वक्त कुक हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा आलू गल जाएगा तो उसका पकौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसको बॉयल करेंगे ताकि वो 50% सिर्फ पक जाए। तो आलू बॉयल हो चुका है, अभी इसको ठंडा पानी से धो के झराने के लिए रख दीजिए। अभी एक बोल में ले लेते हैं 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन, और इसी के साथ डालते हैं भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा हल्दी, साथ ही डाल देते हैं भुना हुआ धनिया पाउडर वो भी 1 टीस्पून। और अगर किसी को तीखा खाना है तो अपने हिसाब से ही तीखा डालिए, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, और डालेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। डालेंगे 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं चाहे ना भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ही लिया है, ये कोई रोस्टेड नहीं है, ये कच्चा तिल है। जैसे हम फ्राई करेंगे ना ऑयल में पकौड़ा तो उसके साथ ये फ्राई हो जाएगा। अभी डालते हैं 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, मतलब ब्लैक पेपर पाउडर, और अभी सारे इन्ग्रीडियंट्स, मतलब सूखे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, अभी सारे सूखे मसाले, ये आटा, ये बेसन, सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है। एक साथ पूरा पानी ना डालिएगा नहीं तो गुठलियाँ फॉर्म करेगा। चलिए ये मैंने मिला लिया, अभी इसमें डाल देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने 2 टीस्पून डाला है, ये मैंने प्रिजर्व लिया है, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अभी डालते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, वो मैंने दरदरा सा पीसा हुआ, मतलब कूटी लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको फेंट लेंगे ताकि इसमें एयर बबल्स क्रिएट हो। अब देखिए ये इस तरह से फेंटिएगा ताकि ना ये पूरा फ्लफ़ी हो जाए और थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको अलग से सोडा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये ऐसे ही फूलने लगेगा। देखिए ना, एक ही डायरेक्शन में हमेशा कीजिएगा, उल्टा डायरेक्शन में कीजिएगा तो ये एयर बबल होना बंद हो जाएगा। देखिए मैं एक ही डायरेक्शन में घुमाती जा रही हूँ और ये काफ़ी फूल चुका है। तभी इसमें जो बॉयल किया हुआ आलू, जो हमने पहले से बॉयल करके इसको अलग से धो के पानी से सुखा के रखे थे, मतलब पानी झड़ने के लिए रख दिए थे, वही आलू सिर्फ उठा के इसमें डाल देना है ताकि ये आलू इसके साथ मिक्स करके जो ये जो बैटर बना है आलू के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए, और उसके बाद इसको करेंगे डीप फ्राई। तो अभी जैसे कि देख पा रहे हैं आलू मैंने अच्छी तरह से ये बैटर के साथ कोट कर दिया है, एक एक आलू पूरा डूब चुका है। कढ़ाई में तेल धोने देते गरम, जैसे तेल गरम हो जाता है हम लोग एक एक करके सारे आलू यहाँ पर डालते जाएंगे। और यहाँ पर तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, तेल को थोड़ा गरम करने के बाद जब हम आलू डालेंगे फ्लेम डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि तेल हम लोग का पहले से गरम हो चुका है। अब इसमें सारे आलू एक एक करके डाल देंगे, जितना आप दे सकें, मतलब कढ़ाई में जितना ले सकते हैं उसके हिसाब से डाल दीजिए। देखिए मैंने जितना हो सका साइड से पूरा एक एक करके आलू डाल दिए हैं, और अभी इसको आराम से होने देंगे फ्राई। फ्लेम आपको हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो ही रखिए, और पहले डालने के बाद ही तुरंत इसको पलटने का कोशिश ना कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट होने दीजिए, उसके बाद ही इसको पलटिएगा।
दो से तीन मिनट हम लोग का हो चुका है, अभी इसको थोड़ा सा पलट देते हैं ताकि दूसरे साइड भी ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चलाते हुए मिक्स कीजिएगा ताकि चारों तरफ से सारे पकौड़े अच्छी तरह से पक जाए। और इसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो एक साइड में पूरा लाल हो जाएगा, बाकी पकौड़ा पकेगा ही नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये धीरे धीरे से कलर ले रहा है, अभी जैसे कि लाइट ब्राउन है, ये थोड़ा सा बहुत एकदम पूरा लाल करके नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन जैसे ही हो जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। मैं कंटिन्यूसली भी चला रही हूँ क्योंकि ये पकौड़ा काफ़ी अभी बन चुका है, कुछ ही देर में इसको निकालना है ताकि चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देख रहे हैं अभी ये लाल होने लगा है, मतलब इसको अभी निकालने वाली हूँ। और ये बाहर से एकदम पूरा क्रिस्पी बन चुका है, और आलू तो हम लोग को पहले से पका हुआ था, 80% कुक्ड है, ये जब बाकी जो फ्राई हो रहा है 20% ये पर कुक हो चुका है। अभी इसको आराम से निकाल लेंगे, मतलब तेल को अच्छी तरह से झड़ा के ही निकालना है, ऐसा नहीं कि उठा के निकाल लिए, जैसे आप निकालते नॉर्मली वैसे निकाल लीजिए। सारे पकौड़े निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी पकौड़े भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू पकौड़ा का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और नए फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज के लिए इतना ही, चलिए ये गर्मा गर्म पकौड़ा भी सर्व कर देते हैं। आप ये खा सकते हैं कोई भी डिप से, जैसे कि चीज़ डिप हो गया, और या तो मैंने तो यहाँ पर सिंपल सा टोमेटो सॉस देके ही इसको सर्व किया है गर्मा गर्म। गर्मा गर्म खाइएगा तो ही अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके, ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह से बना के इसे इंजॉय कर सकें। और आप कहाँ से देख रहे मैंने चैनल को ये कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं सिंपल और आसान सा रेसिपी लेके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।